नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अबोलीज आर्ट स्टूडियो में। आज बाल दिवस है, अर्थात चिल्ड्रंस डे है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप सभी के साथ शेयर करूं ये क्यूट से बेबी टी कोस्टर्स। ये बेबी शॉवर के लिए, नेमिंग सेरेमनी के लिए आप गिफ्ट भी दे सकते हो। बहुत ही क्यूट लगते हैं और जो अभी पेरेंट्स बने हैं उनको तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो मटेरियल है ये MDF है, जिसमें से मैंने ये फ्लावर वाला शेप लिया है। इसमें बहुत वैरायटीज़ है, आप मार्केट में भी देख सकते हो। तो उसके लिए इसके ऊपर मैंने ये वाइट कलर का एक्रेलिक का फर्स्ट बेस कोट दिया है। आप डायरेक्टली भी पेंटिंग कर सकते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बेस कोट हो तो आउटपुट थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है। इसके साथ ये सेकेंड कोट हम देने वाले हैं लाइट बेबी पिंक का। तो ये थोड़ा कैमरे में बहुत ही ज़्यादा लाइट लग रहा है, मतलब वाइट है या पिंक है ये समझ नहीं आ रहा है, पर इससे ये थोड़ा डार्क है जब हम एक्चुअल में देखते हैं। तो अब ये जो फ्लावर शेप में बोल रही हूँ, ये मुझे थिंकिंग क्लाउड जैसा भी लग रहा है, या ऐसा पॉपअप मतलब कार्टून में जैसा दिखाते हैं उस टाइप का ये लग रहा है। इस वजह से मैं यहाँ पे डार्क कलर पिंक कलर का इस्तेमाल करके आउटलाइन बनाऊँगी। और ये थोड़ा 3D भी हम बना सकते हैं। तो ये तीन कलर के पिंक इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किए हैं, एक बेस कोट के लिए है, एक आउटलाइन के लिए और एक सेकंड आउटलाइन के लिए। तो ये दोनों भी अच्छा लग रहा है, पर ये 3D वाला जो है दूसरा, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा दो आउटलाइंस का, तो आई गो विद दैट। तो उसके बाद फिर इंटरनेट पे मैंने क्यूट बेबी कार्टून्स ये सर्च किया, बहुत बहुत वैरायटी वहाँ पे मिली। उसमें से मैंने ये 6 बेसिक बेबी स्टेप्स, जिसको हम कह सकते हैं जो बेबी के लाइफ में आते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। ये हाथ से मैंने निकाला है और फिर आउटलाइन किया है। आप चाहे तो ये प्रिंट भी कर सकते हो। उसके बाद निकाल के उसकी जगह मैंने फ़िक्स की MDF के ऊपर, कहाँ पे ये मैं निकालूंगी। और आजू बाजू में मैंने थोड़े बहुत एडिशंस किए हैं, बबल्स डाले हैं। और ये MDF का जो साइड का है पोर्शन, वो भी मैंने वाइट कलर से ही पेंट किया है। तो यस, तो चलते हैं हमारे फाइनल स्टेज की ओर। तो ये जो मैंने यहाँ पे स्केच बनाया है वो ट्रेस पेपर के का इस्तेमाल करके मैंने MDF पे वो निकाला, और फिर मुझे जो कलर स्कीम मैंने जो तय की थी वो इस्तेमाल करके ब्लैक कलर से आउटलाइन किया और पिंक कलर से पीछे से उसको थोड़ा शेडो वर्क भी किया है, जिस वजह से ये पॉपअप हो सके। और इसी तरह से बाकी के भी मैंने बनाए हैं। आई होप यू एन्जॉयड इट। थैंक यू सो मच। हैप्पी चिल्ड्रंस डे।